आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पत्रकारों के लिए दिवाली मिलन समारोह का करेंगे आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बने हेडक्वार्टर पर होगा समारोह। बुधवार को पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन को लेकर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। बैठक में गृहमंत्री, रक्षा मंत्री समेत अन्य सभी रहे मौजूद। बैठक में सीमावर्ती इलाके के लोगों की सुरक्षा पर हुई चर्चा। पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का बीएसएफ ने वीडियो जारी किया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह कर दी है। 14 पाकिस्तानी बंकर को बीएसएफ ने नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान पर बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि शिशुपाल के 99 अपराध भगवान श्रीकृष्ण ने माफ कर दिए थे, वैसे ही पाकिस्तान के अपराध अब पूरे होने वाले हैं। अब पाकिस्तान का हश्र भी शिशुपाल जैसा ही होगा। जम्मू कश्मीर के हालात पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया दुख। कहा, कश्मीर के हालात के लिए पीडीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार दोषी। तनाव की स्थिति में पिस रही कश्मीर की जनता। दिल्ली के जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले एक पूर्व जवान रामकिशन अग्रवाल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उनके बेटे का कहना है कि उन्होंने फोन पर कहा था कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं। आरकेपुरम थाने से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने सैनिकों से बोला झूठ। रामकिशन द्वारा आत्महत्या के जाने पर उनके परिवार से मिलने राहुल गांधी आरएमएल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें रोक दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, यह कैसा हिंदुस्तान है। पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, सरकार ने ओआरओपी मामले पर सैनिकों से पूरा नहीं किया वादा। भोपाल एनकाउंटर में मारे गए सिमी आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। 4 आतंकियों के शरीर में गोली लगी, गोलियार पार हो गई। बाकी आतंकियों के 2 से 5 गोलियां लगी हैं। 1 आतंकी के सिर में चोट है। भोपाल एनकाउंटर मामले को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय, कहा 8 कैदियों का जेल से फरार होना शर्मनाक। राष्ट्रीय सुरक्षा भगवान भरोसे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की कोशिशें तेज। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटों की मांग की है। प्रशांत किशोर ये पूरी रिपोर्ट बताएंगे राहुल गांधी को। सपा की रजत जयंती को लेकर शिवपाल की अध्यक्षता में फ्रंटल संगठनों की बैठक। पार्टी कार्यालय पर भीड़ न जुटा पाने से नाराज दिखे शिवपाल। सूत्रों के अनुसार 5 नवंबर को लखनऊ में होने वाले एसपी के स्थापना दिवस समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार हिस्सा नहीं लेंगे। मुलायम द्वारा खुद न्योता नहीं देने से नाराज है नीतीश कुमार। इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया। 9 नवंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम में पहली बार हार्दिक पांड्या को जगह मिली है। आज से शुरू होगी सीएम अखिलेश यादव की विकास रथ यात्रा। हाईटेक रथ पर सवार होकर प्रदेश भर में सरकार के कामकाज का प्रचार करेंगे सीएम।